नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगी सुंदर से पौधे के बारे में जिसका नाम है पेंजी। बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इस पर, देखिए कैसे तितली जैसी बनी हुई है। बहुत ही दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है इसका फूल। तो बिल्कुल जो मैंने सीड लगाए थे उस पर ये फूल आया है। बिल्कुल छोटा सा पौधा है, उसी पर फूल खिल गया। तो लगभग अक्टूबर सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के शुरू में मैंने जो कुछ बीज लगाए थे उनमें से कुछ मेरे बच गए हैं। तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इस पर फूल आएगा, बहुत छोटे से पर इस पर फूल आ गया। इतना बड़ा ये फूल है, इतना ही बड़ा तो पौधा है, बिल्कुल छोटा है अभी। और अभी ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और पूरे गमले में, पूरा गमले को भर लेगा और इस पर फिर एक नहीं बहुत सारे फूल एक साथ आएंगे। और ये बहुत सारे रंगों में आता है। ये तो मेरे पास सफ़ेद और ये जामनी है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके इतने सारे रंग आते हैं कि आप किसी भी रंग में ले सकते हैं। अभी तो सीडलिंग का तो टाइम नहीं है, तो आप नर्सरी से ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं आता इसका पौधा। और बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप जी जो चाहें उस रंग में ले सकते हैं। देखिए हैंगिंग बास्केट में टांग सकते हैं, ये मेरा हैंगिंग पॉट ही है। तो हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर पौधा है। अगर आप बड़ी सी एक हैंगिंग बास्केट में दो तीन कलर लगा के उसको टांग दें तो उसमें रंग बिरंगे इतने सुंदर फूल खिलेंगे और बहुत ही सुंदर लगेगी बास्केट। तो हैंगिंग बास्केट के लिए अच्छा पौधा है और फूल तो इस पर बहुत आते हैं। इतने छोटे से पर ये आने लगे हैं तो आप सोचिए थोड़े दिन बाद कितने आएंगे। तो जब भी आप इसको लगाते हैं ऐसी मिट्टी में लगाएं कि बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी हो, पानी बिल्कुल रुके ना, यानी कि एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा सैंड। या फिर आप हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं तो कोकोपीट ले लीजिए उसकी जगह और एक हिस्सा खाद, इनको मिलाकर आप लगाइए। उसमें बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करेगा और कम से कम 10 या 12 दिन में इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें अगर अच्छे फूल पाना चाहते हैं तो, तभी अच्छे फूल आएंगे। इसके अलावा बात करें इसके पानी की, तो पानी बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग ना करें। अगर आपका पौधा पूरे दिन धूप में रखा है तो फिर तो आप डेली पानी दीजिए। अगर धूप इतनी नहीं आती है जैसे कि बालकनी में या फिर ऐसी जगह रखा है जहाँ पर 4-5 घंटे ही धूप आती है, तो आप बिल्कुल चेक कर कर पानी दें। अगर मिट्टी में गीली है मिट्टी तो 1 दिन 2 दिन पानी ना दें, देख कर पानी दें। जब उसको ज़रूरत होगी मिट्टी को चेक करके तभी पानी दें। तो जैसे कि छोटा सा पौधा है, अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो फूल इसका बहुत ही सुंदर आते हैं। और अगर आपको सीड बनाने हैं तो सीड भी आप इसी में बना सकते हैं। जैसे कि जब फ्लावरिंग कम हो जाती है मार्च के महीने में, तो आप इसके सीड को ऐसे बना सकते हैं। इसके जो फूल हैं उनको आप तोड़े ना, ऐसे ही रहने दें। कुछ दिनों में फूल झड़ जाएगा और फूल के पीछे ही सीड बन जाते हैं, तो उनको आप नेक्स्ट सीज़न के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी में आपको दिखाती हूँ। देखिए मिट्टी बिल्कुल जब हम हाथ से ऐसे करें तो बिल्कुल हमारे हाथ में आ जानी चाहिए, इतनी सॉफ्ट मिट्टी रहनी चाहिए गमले की, ताकि जो पौधा है छोटा सा पौधा या फिर बड़ा, उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से फैल सकें। जो हार्ड मिट्टी होती है उसमें जड़ अच्छे से नहीं फैल पाती और पानी भी ज़्यादा स्टोर होता है। जैसे हम पानी हम डालते हैं तो मिट्टी में उसमें पानी रुक जाता है, लेकिन इस तरह की सॉफ्ट मिट्टी में पानी कभी भी रुकता नहीं है और तुरंत बाहर निकल जाता है एक्स्ट्रा पानी। तो ऐसी मिट्टी रहनी चाहिए सॉफ्ट, तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो हैंगिंग बास्केट में लगाइए आप ये पौधा, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बालकनी में गार्डनिंग करते हैं तो, और या फिर आप गमलों में लगाइए। धूप इसके लिए खूब ज़रूरी है, पूरे दिन की धूप मिले तो बहुत अच्छा है, 4 से 5 घंटे तो बिल्कुल ही चाहिए। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।